Hi guys, subscribe and hit the bell button to get all the latest updates from AglaSem. Hi to all 10thies and 12thies. It's the beginning of the new session, but I'm sure with each second passing by, you must be feeling that your board exams are getting nearer and nearer. वैसे तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि you have plenty of time, but this plenty of time might become insufficient if you make these 5 common mistakes that I'm about to tell you while preparing for your board exam. So, make a note of the things that you must not do if you want to prepare well. Number 1. Continuously studying. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हम खाना दिन में 3 बार क्यों खाते हैं? Why we have divided it into breakfast, lunch and dinner? वो इसीलिए ना, क्योंकि अगर हमें एक बार में पूरे दिन भर का खाना खा जाएंगे, तो our stomach will explode eventually. Our body doesn't have this much of storage. Similar stuff happens with our mind. When we study continuously 4 hours without any break, it needs break, but it also needs to be fed regularly. So feed your brain with knowledge with proper interval of time. Number 2. Relying on your tuition classes. Another common mistakes that students make is that they rely a little way too much on their tuition classes. I mean, yes, they are a great help, but self-study is the real key to score good marks. A tuition teacher or even your school teacher can guide you, can show you the path, but ultimately it's you who have to walk on that path. So don't neglect self-study. Number 3. Not sitting in pre-boards or any other midterm exam. अब कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी में इतने गुम हो जाते हैं कि वो स्कूल तो जाना छोड़ ही देते हैं, साथ ही प्री बोर्ड्स तक नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ी मिस्टेक तो कोई कर ही नहीं सकता। सेल्फ स्टडी इज गुड, बट एनालाइजिंग योरसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट कुड ओनली हैपन व्हेन यू अटेम्प्ट टेस्ट एंड एग्जाम्स दैट योर स्कूल इज कंडक्टिंग। दिस विल शो यू वेयर टू स्टैंड एट द मोमेंट, ऑन व्हाट एरियाज यू नीड इंप्रूवमेंट। आपने अब तक जितनी भी पढ़ाई करी है वो सही ढंग से हुई भी है या नहीं। नंबर 4. स्टडी क्रोनोलॉजिकली। अब आप में से ज्यादातर बच्चे चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं, जैसे कि चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 एंड सो ऑन, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। अब अगर आपके पहले दो चैप्टर्स की वेटेज सिर्फ 2 मार्क्स है, तो उन पर टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है ना कि आप पहले वो चैप्टर्स करें जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, isn't it? Number 5, inappropriate sleep hours. Board exams के टाइम बच्चे ना तो फ्रेंड से चैट करना और ना ही सोशल मीडिया यूज करना सेक्रीफाइस करते हैं। वो अगर कुछ सेक्रीफाइस करते हैं तो वो है अपनी नींद, which is again the most fatal mistake a student can make. Make a proper timetable. उसमें डिवाइड करें कि 7 बजे उठूंगा, स्कूल जाऊंगा, 3 बजे वापस आके रेस्ट करूंगा, फिर 4 बजे ट्यूशन जाऊंगा, फिर 7 बजे से ट्यूशन से आके 15 मिनट्स का ब्रेक, देन 7:15 से आई विल डिवोट टाइम टू सेल्फ स्टडी, बीच में 9 o'clock डिनर टाइम, फिर 9:30 से आई विल गेट बैक टू स्टडी, देन 10 और मैक्स टू मैक्स 11 o'clock आई विल हिट द सैक। So, this is how you have to make a schedule and don't sacrifice your sleep. It is something that will have a huge impact on your board exam preparation. बस ये वो 5 बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम्स तो बस एक फेज होता है लाइफ का। आप बस अपना बेस्ट दीजिए ताकि आपको ये ना लगे बाद में कि काश मैंने थोड़ा ध्यान और दे दिया होता या थोड़ी मेहनत और कर ली होती। और वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है, दुनिया नहीं खत्म हो जाती है बोर्ड एग्जाम्स पे आके। ऑल्सो हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के सजेस्ट करें कि आप किस तरह की और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो। एंड आई होप नाउ दैट आई हैव टोल्ड यू दीस 5 कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट यूजुअली मेक, यू विल नॉट फॉलो योर सीनियर्स। एज ऑलवेज, इफ यू फाइंड दिस टिप्स यूजफुल, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ हैप्पी प्रिपरेशन।